नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट करने वाले हैं। आप लोग के जो एग्जाम में पेपर आते हैं थ्योरी के लिए, थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन रहते हैं ना भाई। पेपर वन, पेपर टू, दो पेपर होते हैं आपके। पेपर वन में 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन जो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग से होते हैं, और बाकी के जो 38 क्वेश्चन होते हैं वो आपके थ्योरी से होते हैं। तो वही थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडल पेपर में। तो आज से हमारा सेकेंड ईयर के लिए पहला मॉडल पेपर स्टार्ट होगा। पूरी ये मॉडल पेपर की सीरीज चलेगी आपके लिए, ठीक है। यदि इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ जाके आप इस वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये जो भी क्लासेस होंगी, पूरी क्लासेस की सीरीज यूट्यूब ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आसानी से वहां से प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में यदि आपको ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताया था भाई, कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बताया था? आपको फॉर्मूला बताया था ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A, पी फाइव जेड अपॉन 60A। इतनी इतनी बात क्लियर है? इतनी बात यदि क्लियर है तो यहाँ पे देख लो कि पी को क्या कहते हैं हम लोग, पी को कहते हैं पोलो की संख्या, पोलो की संख्या। और एन क्या होता है यार, एन होता है आपका चालक, सॉरी रोटर की गति, रोटर की गति या चालक की गति जो भी लिखना है लिख लीजिए। बाकी आपका जो फाई है, फाई क्या है यार, फ्लक्स पर पोल है, फ्लक्स पर पोल। और जेड क्या है मेरे भाई, जेड है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर। ए क्या है, ए है समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अच्छा, अब एक बात और समझिए यहाँ पे देखो भाई, डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में वाइंडिंग दो तरह से की जाती है, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। वेव वाइंडिंग हमेशा हम लोग हाई वोल्टेज गेन करने के लिए करते हैं, जहां पे हाई वोल्टेज और लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग वेव वाइंडिंग करते हैं, और जहां पे हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होती है हमें वहां पे हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं। या फिर लैप वाइंडिंग का सीधे सीधे आपसे यूज पूछ लेता है कि हाई करंट के लिए किस वाइंडिंग का यूज करते हैं हम लोग, तो हाई करंट के लिए हम लोग लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं, करेक्ट है इतना। तो देखो अब जो आपकी दो तरह की वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, तो क्या दोनों में समांतर पथ की संख्या बराबर होती है क्या सर? नहीं। देखिए जो आपका वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में हमेशा और हमेशा समांतर पथ की संख्या दो बनी रहती है, हमेशा दो बनी रहती है। और जो आपका लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितनी हो जाएगी, समांतर पथ की संख्या इसमें ए इक्वल टू पी हो जाती है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग यदि दो रहेगी, वेव वाइंडिंग यदि रहेगी तो वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा संख्या दो ही बनी रहेगी, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स के लिए चेंज होगी। बाकी जो आपका ये लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के भी सिंप्लेक्स में हमेशा ए इक्वल टू पी रहेगा, डुप्लेक्स में ए इक्वल टू 2p हो जाएगा और ट्रिप्लेक्स में ए इक्वल टू 3p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वेव वाइंडिंग के लिए कितना होगा, ये वेव वाइंडिंग के लिए हो जाएगा ए इक्वल टू 2, ठीक है। लैप वाइंडिंग के लिए कितना होगा मेरे भाई, लैप वाइंडिंग के लिए हो जाएगा ए इक्वल टू पी। किसके लिए, ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला मैच कराइए, इक्वल टू पी फाइव जेड अपॉन 60A, कहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी एकदम मैच कर रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है। जो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, देखिए ये यहाँ से लेके निकाला गया है। तो ये क्या है भाई, ये है आपके डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर, क्या है ये, कम्यूटेटर, ठीक है। और कम्यूटेटर का क्या काम होता है, कम्यूटेटर का काम होता है एसी टू डीसी, एसी टू डीसी और फिर डीसी टू एसी, डीसी टू एसी दोनों काम होता है। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहीं पे कि जो आपकी डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर कैसे काम करता है, रेक्टिफायर की तरह या फिर इन्वर्टर की तरह, ये आप बताइए हमको, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं एक बात में आंसर दूंगा आपको, पहले आप बताइए कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है या इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, ये आप हमें बताइए, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कम्यूटेटर रॉकेट, कम्यूटेटर रेजर, सॉरी रेजर,
कम्यूटेटर रेजर, ठीक है। और देखिए ये जो नट दिख रहे हैं आपको, ये नट ऐसे ठोक के बिठाए गए होते हैं, या फिर इसमें कुछ पेच वाले भी आपके नट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हूं, कि जो हमारी डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है या इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, ये आपसे पूछा। तो देखो, जो आपका डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी करंट होती है? एसी करंट। और एसी करंट को कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी में चेंज करके हमें आउटपुट में देता है। आउटपुट में हमें क्या मिलती है डीसी जनरेटर से? आउटपुट में हमें डीसी मिलता है, जबकि उसके वाइंडिंग पे क्या रहता है? उसके वाइंडिंग पे कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है? एसी करंट प्रोड्यूस होती है। तो एसी को ये क्या कर रहा है? डीसी में कर रहा है, चेंज कर रहा है कम्यूटेटर आपका, एसी को डीसी में चेंज कर रहा है। तो डीसी जनरेटर के केस में, कम्यूटेटर एज अ रेक्टिफायर काम करता है। इस पॉइंट को चाहे तो नोट कर लीजिए कि डीसी जनरेटर में लगा कम्यूटेटर रेक्टिफायर सर्किट की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या पूछा है आपसे? फिगर में आपसे पूछा है कि क्या है ये? तो ये कम्यूटेटर रेजर है। चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए, जनरेटर जो है आपकी डीसी जनरेटर काम तो करेगी हमेशा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे। किस पे? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। बाकी आपकी जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में भी ये पूछते कभी आपसे कि डीसी जनरेटर में करंट की दिशा कैसे निकाली जाती है, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, चालक के घूमने की दिशा कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए आप हमेशा एक बात याद रखिए कि देखिए, जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है? डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो? जाते हो, हैंडल उठाते हो, हैंडल को ऐसे उसके शाफ्ट पे लगा के ऐसे घुमाते हो बहुत तेजी से। किस हाथ से घुमाते हो? दाहिने हाथ से घुमाते हो। अरे, कुछ लेफ्टी वाले भी होंगे, एक्सेप्शनल को छोड़ दो, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, तो अपवाद को बाहर रखो। मैक्सिमम लोग दाहिने हाथ वाले हैं, तो दाहिने हाथ से इसे घुमाया, इसका मतलब यह है कि जनरेटर में कौन सा नियम लगेगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर में लगेगा। और मोटर में कौन सा नियम लगता है दिशा ज्ञात करने के लिए? मोटर में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगता है फ्लेमिंग का। भाई, ये कोई आपको मैं प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ, मैं एक याद करने का एक तरीका बताया हूँ कि ऐसे याद रख सकते हो काफी दिनों तक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर राइट हैंड रूल राइट वाला लगता है या लेफ्ट वाला लगता है जनरेटर में। केवल एक का क्लियर हो जाए तो बाकी दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो एक का मैं क्लियर कर दिया हूँ, जनरेटर की जब भी बात आएगी तो सबके दिमाग में अभी एक फिगर बन जाएगी, वो सर हैंडल की बात की थी मतलब दाहिना हाथ, तो तुरंत आप दाहिना हाथ वहां टिक करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आप लोग जानते हो कि दाहिना हाथ की बात करें तो दाहिना हाथ में ये तीन उंगली है, ये तीनों उंगली के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम फैला ऐसे कुछ इस तरीके से, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी ये इससे 90 पे है और ये इससे 90 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाएगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। सॉरी बच्चों, चल तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फोर पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने समांतर समानांतर रास्ते होंगे। वाइंडिंग कौन सी है? लैप वाइंडिंग है। यहाँ पे एक बात की ख्याल रखिएगा कि मैं अभी बताया हूँ आपसे ए इज इक्वल टू पी। लैप वाइंडिंग के लिए मैं क्या बताया हूँ फॉर्मूला मेरे भाई? लैप वाइंडिंग के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूँ ए इज इक्वल टू पी। लेकिन किसके लिए? लेकिन सिंप्लेक्स के लिए मैं बोला था, ये मैं बोला था आपको सिंप्लेक्स के लिए। डुप्लेक्स के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है? डुप्लेक्स के लिए ये वैल्यू हो जाती है ए इज इक्वल टू टू पी, ए इज इक्वल टू टू पी डुप्लेक्स के लिए, ठीक है। डुप्लेक्स यहाँ पे क्या पूछ, कितने पोल के लिए है?
चार पोल की बात किया है ना, तो अब यहाँ पे समांतर पथ की संख्या कितने हो जाएंगे, दो गुणे चार, दो गुणे चार बोले तो आठ, यहाँ पे समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ हो जाएगी। ठीक है, यही यदि सिंप्लेक्स की बात करता तो सिंप्लेक्स में चार होता, डुप्लेक्स में आठ हो गया, और यदि ट्रिप्लेक्स रहेगा तो ट्रिप्लेक्स के लिए ये सीधे सीधे 12 हो जाता। ठीक है, 3p हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे जहां मैं 2p लिखा हूं, a इक्वल टू 2p, यहाँ पे a इक्वल टू 3p हो जाता ट्रिप्लेक्स के लिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन क्यों, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए या लोकोमोटिव ट्रेन के लिए, लोकोमोटिव के लिए किस स्पीड कंट्रोल सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, ये आपको बताना है। ये जो चारों मेथड दिया हुआ है आपके सामने, चारों मेथड कौन से मेथड है भाई, ये चारों आपके डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने वाले मेथड है, लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विधि यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ फील्ड टैपिंग की, तो फील्ड टैपिंग मेथड कौन सा मेथड होता है, जहाँ पे फील्ड के साथ टैपिंग कर दिया जाता है, फील्ड के साथ टैपिंग किया जाता है, मतलब कि इधर आपका फील्ड रहता है, फील्ड कहाँ पे रहता है यार, ये आपकी हो गई मोटर, ये हो गई आपकी मोटर, और ये हो गया आपका फील्ड, ये हो गया आपका फील्ड। ठीक है, तो यहां पे यदि ये कुछ इस तरीके से लगा दिया जाए, किस तरीके से ये लगा दिया जाए, यहां से डीसी सीरीज मोटर की बात किया ना, इसको यहां से ऐसे लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये हो गया आपका मोटर, इसको ऐसे कर लो, ये हो गई आपकी मोटर। ठीक है, तो जब इस तरीके से रहता है वो आपका फील्ड टैपिंग मेथड होता है भाई। डीसी सीरीज मोटर में हमेशा वाइंडिंग जो होती है हमारी, वाइंडिंग सीरीज में जुड़ती है मोटर के साथ, इसलिए तो उसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। फिर आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में एक आर्मेचर के साथ यहाँ पे लगा रहता है, आर्मेचर के पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं रेजिस्टेंस, फिर वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं इसको, फिर सप्लाई वोल्टेज कनेक्शन मेथड। तो ये आपके सारे के सारे सीरीज मोटर को, सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के मेथड दिए हुए हैं। इसमें से जो फील्ड डाइवर्टर मेथड है ये यूज किया जाता है किसके लिए, फील्ड डाइवर्टर मेथड यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन के गति को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन के गति को कंट्रोल करने के लिए फील्ड डाइवर्टर मेथड यूज किया जाता है। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें फायदा ये होता है कि फील्ड को डाइवर्ट करने से बहुत ज्यादा वहां पे करंट का नुकसान नहीं होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बहुत ज्यादा ब्रशेस पे नहीं होता है, जो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम होता है ब्रेकिंग सिस्टम में ज्यादा लॉसेस क्रिएट नहीं होता है। फील्ड डाइवर्ट जैसे ही करेंगे तो वहां पे करंट का फ्लो रुक जाता है या करंट का बहना रुक जाता है। ठीक है, चलो ये बताना है आपको कि ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है। तो देखो हम आपको बताए थे कि कभी भी यदि वाइंडिंग का प्रकार आपको जानना है कि मतलब ये वाइंडिंग कौन सा है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्वाडेक्स है, तो आप इसके लिए बस इतना ध्यान दो कि जो आपकी वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का पहला टर्मिनल कहाँ है और दूसरा टर्मिनल कहाँ है, पहले और दूसरे टर्मिनल दोनों टर्मिनल के बीच का केवल गैप देख लीजिए, दोनों टर्मिनल के बीच में जितना गैप होगा वही आपके वाइंडिंग का प्रकार होगा। यदि गैप एक है तो आपकी वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगी, यदि गैप दो है तो आपकी वाइंडिंग डुप्लेक्स होगी, यदि गैप तीन है तो आपकी वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगी, यदि गैप चार है तो आपकी वाइंडिंग क्वाडेक्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है आपकी एक वाइंडिंग, ये है आपकी एक वाइंडिंग, इस वाइंडिंग का पहला टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक से स्टार्ट हुआ, और इसका दूसरा टर्मिनल गया कहाँ पे, इसका दूसरा टर्मिनल गया है तीन पे, एक से स्टार्ट हुआ कितना पे गया है भाई, तीन पे गया है, थ्री माइनस एक करेंगे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा ना, दो आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी डुप्लेक्स वाइंडिंग, यहाँ पे हो जाएगी डुप्लेक्स वाइंडिंग, ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए भाई, यहाँ पे गैप कितना आया, थ्री माइनस वन किया मैं तो थ्री माइनस वन करने पे टू आएगा आंसर, टू आंसर आया, इसका मतलब ये है कि ये डुप्लेक्स वाइंडिंग हो गई। यही यदि ये वाला टर्मिनल जो इसका दूसरा टर्मिनल है ये यहाँ चार पे रहता तब क्या होता, तो फोर माइनस वन कर देते, फोर माइनस वन करते तीन आता तो इसका मतलब कि हमारी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है। करेक्ट, इतनी बात क्लियर है, यदि इतनी बात क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। एसी कला मोटर में मोटर की तुल्यकालिक स्पीड कितनी होती है, जो हमारी एसी मोटर है एसी मोटर में तुल्यकालिक स्पीड कितनी होती है भाई, तो सिंक्रोनस स्पीड सब लोग पढ़े होंगे, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है,
सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग ns से प्रदर्शित करते हैं ना, ns इक्वल टू 120f डिवाइड बाय p, 120f डिवाइड बाय p, जहां पे f क्या है, f है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, f है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और p क्या है, p है आपका पोलो की संख्या, p है पोलो की संख्या, ठीक है, p है पोलो की संख्या और f है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, 120f डिवाइड बाय p, 120f डिवाइड बाय p। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टार्टर का प्रतीक क्या है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टर का प्रतीक देख के समझ में आ गया होगा, मैं जब आपको स्टार डेल्टा पढ़ाया था वहां पे मैं आपको बताया था कि स्टार बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार बनाना होता है तो एक छोटा सा ऐसे स्टार बना देते हैं, एक छोटा सा ऐसे स्टार बना देते हैं, ये हो जाता है आपका स्टार, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डेल्टा। इस तरीके से डेल्टा को हम लोग डिनोट कर देते हैं, या कहीं कहीं पे ये ऐसे भी दिखा देता है, ऐसे डी भी लिख देता है, तो यही डेल्टा हो जाता है, और कहीं कहीं पे यदि केवल ऐसे वाई लिख दिया है तो इसका मतलब स्टार हो जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ इसी तरीके की आकृति बनी हुई है क्या, ये डब्बा, ये बाहर वाला डब्बा किसको दिखा रहा है, डेल्टा को, और ये अंदर वाला जो ये आकृति बनी हुई है स्टार को दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सिंबल हो जाएगा, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ये कैसा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ये सिंबल जो है, ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। तो देख लीजिएगा सिंबल थोड़ा सा, यहाँ पे ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, वाइंडिंग का क्या नाम है, ये जो वाइंडिंग आपके सामने दी हुई है ये वाइंडिंग कौन सी है, तो ये आपकी वाइंडिंग है स्किन वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है ये, स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग में क्या होता है कि एक बड़ी वाइंडिंग होती है और फिर एक छोटी वाइंडिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपके आपकी जो निम्मी वाली बुक है उसमें ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, वहां पे उसने स्क्यू को सही किया है, स्क्यू वाइंडिंग ये नहीं होगा इतना तो श्योर है। स्क्यू वाइंडिंग क्या होता है, स्क्यू वाइंडिंग में एक साइड जो है स्क्यू वाइंडिंग की एक साइड छोटी होती है और दूसरी साइड बड़ी होती है। अरे थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक साइड छोटा होता है और एक साइड कुछ बड़ा होता है, कुछ इस तरीके का आकृति होता है स्क्यू वाइंडिंग का, ठीक है। तो ये स्क्यू वाइंडिंग तो नहीं है, स्क्यू वाइंडिंग की साइज कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग स्क्यू वाइंडिंग। फिर इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग कौन सी होती है, इनवोल्यूट वाला भी फिगर बना लो, यहाँ पे लिख लीजिए इसका फिगर देख लीजिए कैसा रहता है इनवोल्यूट का, इसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है वो होती है आपकी इनवोल्यूट वाइंडिंग। फिर डायमंड वाइंडिंग तो सबको पता होगा, डायमंड बस आपको बना देना है, डायमंड कैसे बनता है यार, डायमंड कुछ इस तरीके से बनता है ना, तो ये बस ये डायमंड ऐसे बना दीजिए तो ये हो जाएगा आपका डायमंड वाइंडिंग। सॉरी बच्चों, ये हो गया आपका डायमंड वाइंडिंग, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये आपकी स्किन वाइंडिंग है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, ये जो मोटर आपके सामने दिया हुआ है इस मोटर का नाम बताना है आपको। तो देखिए ये जो मोटर है ना, ये सबसे पहली बात तो ये है कैपेसिटर टाइप की मोटर, ये है कैपेसिटर टाइप की मोटर, लेकिन कैपेसिटर टाइप की मोटर में से कौन सी मोटर है, कैपेसिटर टाइप की तीन मोटर होती है, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एक इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और एक परमानेंट मैग्नेट कैपेसिटर मोटर, तीन तरह की मोटर होती है, तो उसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब इस मशीन में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना लगा हो, कौन सा स्विच भाई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मोटर है हमारी, वो मोटर परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर है। तो देखो बच्चों क्या यहाँ पे कोई कैपेसिटर, कोई यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है क्या, देख लेते हैं हम लोग।
सर यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा लाइन का लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है सर। यहाँ आए एक फ्यूज लगा है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे आए तो एक आपको वाइंडिंग दिख रही है सर, ये आपकी एक रनिंग वाइंडिंग हो गई, ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एक वाइंडिंग है, तो ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ठीक है सर। ये आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब बाकी कुछ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, एक रोटर पे वाइंडिंग हुई है तो वो रोटर वाइंडिंग तो अलग है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात कहीं पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो थोड़ा सा और मैं इसमें कलाकारी करता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ। केवल यहीं पे मैं क्या कर दूं, केवल यहीं पे मैं एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दूं, केवल यहीं पे मैं एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दे रहा हूं, तब बताओ तब क्या होगा। ये लग गया सीएस, ये लग गया सीएस, तब ये कौन सी मोटर होगी, तब ये कौन सी मोटर होगी। तो उस समय ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के समय कौन सी वाइंडिंग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाइंडिंग लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इधर कैपेसिटर की वजह से ये चल रही है मोटर, और स्टार्ट करने वाला कौन है, वाइंडिंग है, तो इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। और एक होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, तो उसमें इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें दो कैपेसिटर होते हैं, उसमें दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं, एक कैपेसिटर के साथ हम लोग सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें दोनों जो कैपेसिटर होते हैं, दोनों कैपेसिटर अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है और एक हमारा ऑयल कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैडेड पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यहाँ पे जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसका काम क्या है। इसका काम सबको पता होगा, इसका काम बस स्पीड कॉन्स्टेंट करना है, इसका काम बस क्या है भाई, स्पीड कांस्टेंट करना है। बाकी ये जो आपका ऊपर पोल सू बना हुआ है, इसकी इसका संरचना तो सब लोग देखे होंगे, सब इसकी संरचना क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, सैडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। सैडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या होता है यार, सैडेड पोल मोटर देखो, चलो एक काम करो, मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ कौन कौन सी मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ताकि आपको ये दुविधा ही ना रहे, है ना। बाकी इसका ऑप्शन यदि आपको करेक्ट करना है तो ऑप्शन तो आप सीधे सीधे करेक्ट कर सकते हो कि हेयर ड्रायर के लिए हम लोग सैडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। सैडेड पोल मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं, हेयर ड्रायर के लिए। मैं आपको एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ, लिस्ट बना दे रहा हूँ, ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया इधर, और इधर मैं आपको बना रहा हूँ लिस्ट, यहाँ देख लो, ये है भाई आपका मोटर, ठीक है, और ये है इधर इधर इसका एप्लीकेशन, इधर है इसका एप्लीकेशन। चलो सबसे पहले लिखो कौन सी मोटर भाई, स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर किस लिए यूज होती है भाई, ये तो होती है आपकी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है। स्प्लिट फेज के बाद कौन सा था भाई, आपका था सैडेड पोल, सैडेड पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर किस लिए यूज होता है, सैडेड पोल मोटर यूज होता है आपके हेयर ड्राइंग के लिए, सॉरी हेयर ड्रायर के लिए, ड्राइंग नहीं हेयर ड्रायर, ड्राइंग नहीं ड्रायर, इतनी बात क्लियर होगी ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, अगला लिख लीजिए, और यहाँ पे हिस्टेरेसिस मोटर एक लिख लीजिए, हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर किस लिए यूज करते हैं भाई, हिस्टेरेसिस मोटर हम लोग यूज करते हैं टेप रिकॉर्डर के लिए, टेप रिकॉर्डर के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर की में कोई आवाज नहीं आती, एकदम स्मूथली चलती है ये मोटर, ठीक है। अब हमारा जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये तो सबको पता होगा, ये सीलिंग फैन और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन, रेफ्रिजरेटर,
सीलिंग फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर एक ये जो सिंगल फेज वाले पंप होते हैं मोटर पंप, उसमें भी आपका यूज यहीं पे परमानेंट मैग्नेट का ही होता है, ठीक है। और बाकी लिखना चाहें एक दो मोटर का तो और भी लिख लीजिए। एक है आपका स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर के बारे में लिख लो। स्टेपर मोटर कहाँ पे यूज होती है? स्टेपर मोटर यूज होती है आपकी 3D प्रिंटिंग के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और फिर CNC मशीनों में इसका यूज होता है, CNC मशीन। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपके मशीन और ये है इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ आपसे पूछा क्या है, शेडेड पोल के बारे में पूछा है ना। शेडेड पोल के बारे में थोड़ा सा और लिख लो कि एक तो हेयर ड्रायर की तरह यूज होता है, और किसकी तरह यूज होता है? शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर और ट्वाइज में भी यूज होता है, ट्वाइज में भी, ठीक है। फिर आपके जो स्मॉल फैंस होते हैं उसमें भी यूज होता है ये, और इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है सही से? नहीं दिख रहा है, चलो इतना पे तो दिख जाएगा। ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा इधर भाई, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, समझे। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है उसको थोड़ा सा नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है ना। चलो, थके तो नहीं हो? कोई थका तो नहीं है? चलो नहीं थके हो तो अल्टरनेटर के भाग का नाम बताना है। ये जो अल्टरनेटर आपको सामने दिख रहा है, इस अल्टरनेटर का नाम बताइए। देखिए, हो सकता है कि आपको फिगर एक क्लियर नहीं हो रहा हो। देखो यहाँ पे ये फिगर है, कैसे ये फिगर यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ है। ये कटा हुआ भाग आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आपको ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये कौन सा फिगर है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये फिगर है आपका सेलियंट पोल रोटर का। अब सेलियंट पोल रोटर कैसे होता है मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, सेलियंट पोल रोटर किस तरीके का होता है। देखो सेलियंट पोल रोटर कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये सेलियंट पोल रोटर मतलब कि नॉन सिलेंड्रिकल, ये पूरा सिलेंड्रिकल नहीं रहेगा, नॉन सिलेंड्रिकल रहेगा, और ये आपको नॉन सिलेंड्रिकल टाइप का दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेलियंट पोल रोटर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ 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 जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी? यहाँ पे पोल की संख्या कितना दिया हुआ है? 4। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। अब आपको निकालना है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला मैं अभी आपको बताया हूं, क्या है? NS=120f/P। 120f/P, यहाँ पे पी कितना दे रखा है यार? यहाँ पे पी दे रखा है 4, और एफ कितना दे रखा है मेरे भाई? एफ दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज। एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे NS=120×50/4 कर दोगे, ये कट जाएगा आपका 30 बार में, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 1500 राउंड पर मिनट। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अरे यार थके तो नहीं हो? 38 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? तो फिर पेपर में कैसे बैठोगे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे? थको मत, राणा के बंसा जाओ तुम लोग, राणा के, है ना। सुने हो कि नहीं कहावत सुने हो कि नहीं यार?
युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, राणा के तो वंशज है फेंक जहां तक वाला जाए। सुना है ना, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, राणा का तो वंशज है फेंक जहां तक भला जाए। तो जहां जितना दम हो सके उतना दम लगा दो, क्योंकि अब आपका पेपर एकदम नजदीक आने वाला है। ठीक है, चलो देखो अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये अल्टरनेटर जो आपके सामने दिख रहा है इसका प्रकार क्या है, तो इस हमेशा याद रखिएगा कि जो डब्बे आकार का दिख जाए ना जहां पे भी, तो ये ब्रशलेस अल्टरनेटर होगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर होगा। ब्रशलेस अल्टरनेटर एकदम पूरी तरह से पैक रहता है, एकदम पूरी तरीके से पैक रहता है, और ये कुछ आयताकार आकार का मिलता है। बाकी जो भी आप मशीन लेने जाएंगे तो वो कैसा रहेगा, वो या तो सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा, या फिर आपको मतलब कि थोड़ी सी उसकी ये एक्सियल लेंथ ज्यादा दिखेगी। ठीक है, आयताकार तो नहीं मिलेगी, आयताकार आपका केवल ब्रशलेस वाली ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ इसके फिगर से ही क्लियर हो जाएगा आपको। और जब मैं आपको फिगर थ्योरी में कराया था वहां पे मैं आपसे बोला था कि इसका फिगर एकदम डिफरेंट होता है, यहाँ पे दो मोटर को एक साथ चिपका दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक आपकी मेन मोटर होती है और एक आपकी ऑक्सिलरी मोटर होती है। ठीक है, चल सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए हमें डीसी आपूर्ति की क्यों जरूरत पड़ती है। भाई देखो, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर में हमें कितने सप्लाई देनी पड़ती है, उसमें दो सप्लाई देनी पड़ती है। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। डबली एक्साइटेड मोटर सिंक्रोनस मोटर को ही कहा जाता है। सिंगली एक्साइटेड मोटर आपकी बाकी सभी मोटर होती है, जो आपकी जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो आपकी सिंगल एक्साइटेड है, या आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी सिंगल एक्साइटेड है। लेकिन जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर आपका डबली एक्साइटेड मोटर है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह की सप्लाई, एक एसी सप्लाई इसके स्टेटर पे दी जाती है और डीसी सप्लाई इसके रोटर पे दी जाती है। ठीक है ना, तो डीसी सप्लाई रोटर पे जो दी जा रही है, डीसी सप्लाई रोटर पे जो अप्लाई की जा रही है, इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल ये होता है कि जो रोटर है रोटर में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दे। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके क्या बना दे, मैग्नेटिक पोल बनाए। वो मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक पोल जो पहले से आरएमएफ बना हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले से जो बना हुआ है उसके साथ कंबाइन होके सिंक्रोनस स्पीड के साथ घूमने लगे, बस ये काम होता है। समझ गए, जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई का क्या काम होता है कि रोटर पे मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस कर दे। क्या प्रोड्यूस कर दे, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल यदि एक बार रोटर पे प्रोड्यूस हो गया तो वो जो स्टेटर में आरएमएफ है, आरएमएफ मतलब कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है, उस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके एन पोल के साथ इसका एस पोल, उसके एस पोल के साथ इसका एन पोल कनेक्ट हो जाता है। एक बार यदि कनेक्शन हो गया तो फिर वो उसी के साथ दौड़ने लगती है रोटर। ठीक है, तो ये काम होता है आपके डीसी सप्लाई का इंडक्शन मोटर में। यहाँ पे ऑप्शन मैच कराइए, शुरू में मोटर स्टार्ट करें, मोटर को ओवरलोड के लिए रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। यस, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, मोटर जनरेटर सेट का यूज हम लोग करते कहाँ पे है। सबसे पहले तो ये बता दो, मोटर जनरेटर का सेट हम लोग, मोटर जनरेटर सेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, स्पीड कंट्रोल के लिए। किसके लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए। इसमें दो मोटर होती है, एक आपकी ऑक्सिलरी मोटर होती है, सॉरी इसमें आप दो, एक मोटर होती है और एक जनरेटर होती है। तो जो मोटर हम लोग लेते हैं, मोटर कौन सी होती है हमारी, सिंक्रोनस मोटर होती है, या फिर कि आपकी एसी मोटर होती है। और जो जनरेटर होती है, वो जनरेटर क्या होती है भाई, वो जनरेटर डीसी मोटर होती है। डीसी मोटर में कौन सी, या तो कंपाउंड मोटर या फिर संट मोटर, या तो कंपाउंड मोटर या फिर संट मोटर, डीसी कंपाउंड या डीसी संट मोटर हम लोग, सॉरी डीसी संट जनरेटर या संट या कंपाउंड जनरेटर हमारी होती है, जो डीसी वाली होती है जनरेटर। और जो हमारी मोटर है वो मोटर एसी जनरेटर होती है, एसी जनरेटर या फिर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो एक आपका मोटर होता है और एक आपका जनरेटर होता है। ये है मोटर, ये है जनरेटर, इन दोनों को कपल कर दिया जाता है। यहाँ पे होता क्या है, इसका मेन काम तो है एसी को डीसी में चेंज करना, एसी को डीसी में चेंज करना। तो जैसे यहाँ पे एसी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाएगी, तो एसी सप्लाई देने से ये जो मोटर है, ये मोटर मूव करेगी, क्या करेगी, मूव करेगी। और इसका शाफ्ट रोटेट मतलब कपल रहता है जनरेटर के साथ, तो इसका शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर का भी शाफ्ट घूमेगा, जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर से फिर हमें क्या मिलेगी आउटपुट पे, हमें जनरेटर से आउटपुट पे क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। और यहाँ इनपुट हमें क्या दे रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट पे एसी दे रहे हैं। ठीक है ना,
तो इसका एक फायदा ये है कि ये भी है कि ये कन्वर्टर का भी काम करता है और ये स्पीड कंट्रोल का भी काम करता है, ठीक है। बाकी आपसे क्या पूछा है कि लाभ क्या है, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये इसका कार्य है। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, यही इसका मेन लाभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, तो भाई याद रखो एक बात, जो आपका कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर होता है ये पैसिव टाइप के एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें से इनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये धारा को प्रोड्यूस करे या फिर वोल्टेज को प्रोड्यूस करे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, ट्रांजिस्टर हो फिर आपका डायोड हो, वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि डिवाइस सिंबल का नाम बताना है, यहाँ पे जो सिंबल बनाया गया है इस सिंबल का नाम बताना है। देखो ये सिंबल बनाया कैसे है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को क्लियरली ये फिगर नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं ये फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये है फिगर। अब बताइए कि ये किसका फिगर है, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो डायोड एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं। जब दो डायोड एंटी पैरेलल में लगे होते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है डायग सर्किट। क्या होता है भाई, वो होता है हमारा डायग सर्किट, ठीक है। एस सी आर का सिंबल सबको पता है, एस सी आर का सिंबल किस तरीके का होता है, एस सी आर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ना, एस सी आर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ना। एक आपका ये गेट होता है, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। डायग का आपको पता चल ही गया। आईजीबीटी क्या होता है, आईजीबीटी मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। फिर ट्रैक सर्किट आपको पता है कि उसमें दो ट्रांजिस्टर की सहायता से ये ट्रैक सर्किट बनाई जाती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है, ये किसके लिए लॉजिक गेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको बताना है। देखो इसमें तो सबसे पहले देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, A0 B0, तो आपको आउटपुट मिल रहा है 0, ठीक है। ये 1 है, ये 0 है, तो आउटपुट मिल रहा है 0, मतलब केवल एक कंडीशन में आपको प्लस मिल रहा है, एक कंडीशन ही इसका सही है, बाकी सारे कंडीशन इसके रॉन्ग है। तो ये कब बनता है, आपको जो भी आपके गेट है, बेसिक गेट्स हैं, सारे गेट का आउटपुट याद है कि नहीं, देखिए और गेट के लिए क्या होता है भाई, और गेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और गेट का फॉर्मूला होता है आपका y = a + b, ठीक है। एंड गेट के लिए क्या होता है, एंड गेट के लिए फॉर्मूला होता है y = a × b, ठीक है। और नॉट गेट के लिए क्या होता है, ये आपके बेसिक गेट्स हैं, तो मैं बेसिक का ही बता दे रहा हूँ। नॉट गेट के लिए होता है y = a बार, ठीक है। तो यदि a प्लस बी है तो 0 + 0 करेंगे तब तो 0 होगा, लेकिन 1 + 0 करेंगे तो ये 1 हो जाना चाहिए, इसका मतलब है कि ये और गेट का तो नहीं है, ठीक है। नॉट गेट में केवल दो ही कंडीशन बनती है, 0 पे हमें 1 मिल जाता है और 1 पे हमें 0 मिल जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, इन्वर्टर सर्किट भी इसको कहा जाता है। ये है आपके गेट का, कौन से गेट का, ये है आपके एंड गेट का सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। एंड गेट आपको ऑप्शन में दिख रहा है भाई, एंड गेट का क्या फॉर्मूला हमने लिखा है, a डॉट बी का मतलब क्या है, मतलब 0 0.0 किए तो 0 आ गया, 1.0 करेंगे तो फिर से 0 आएगा, और चाहे 0.1 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, केवल एक ही कंडीशन होगी, जब 1.1 करेंगे तो 1 मिलेगा, बाकी सभी कंडीशन में हमें आउटपुट में 0 मिलता है। तो वो कंडीशन किसके लिए होता है, वो होता है आपके एंड गेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट गेट दिया है, और गेट दिया है, और एक इधर नॉर गेट दिया है। नॉर गेट में क्या हो जाता है, नॉर गेट में जस्ट अपोजिट होता हो जाता है आपके और गेट के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम बता रहे हैं, ये जो आपको एलिमेंट सामने दिख रहा है इस एलिमेंट का नाम बताना है, इस एलिमेंट का नाम क्या है। तो आपको जब मैं थ्योरी कराया था वहां पे बताया था काफी अच्छे तरीके से कि इसका ग्रोमेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी है हिंदी गलत लिखा है, इसको ग्रोमेट लिख लो, ग्रोमेट।
तो मैं आपको थ्योरी में बताया था कि जैसे कोई आपकी लोहे की चादर हो, जैसे आप मान लो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चादर जो होती है वो लोहे की होती है, तो उस लोहे के ऊपर से यदि हमें केबल निकालना रहता है तो वहां पर डायरेक्ट हम लोग केबल नहीं निकालते हैं, क्योंकि उस लोहे के ऊपर जो केबल के ऊपर की इंसुलेशन होती है वो इंसुलेशन धीरे धीरे कटने लगती है लोहे पे रगड़ खा के, तो उसके ऊपर हम लोग एक लगा देते हैं ग्रोमेट। उस ग्रोमेट का काम यह होता है कि ये इस ग्रोमेट में दोनों तरफ नट होते हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे कस के टाइट कर देते हैं कि जिस भी होल में लगाना रहता है, ये अलग अलग साइज के मिलते हैं, जिस भी होल में लगाना रहता है उस होल में लगा के दोनों तरफ से नट टाइट कर दिया जाता है और उसी में से आसानी से केबल लेके चला जाता है, तो वहां पे केबल हमारी कटती नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रोमेट। बाकी लग्स सबको पता है, लग्स कहाँ पे यूज होता है यार, जैसे मान लो कि ये आपका केबल है, ये आपका है केबल, तो केबल से जैसे ये कुछ कंडक्टर निकले हुए हैं, तो इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर पे कुछ ऐसे फंसा दिया जाता है, कुछ इस तरीके से फंसा के, कुछ कंडक्टर में इस तरीके से फंसा के, और यहाँ पे निकाला जाता है एक आपका लग, एक लग निकाला जाता है और इसी लग को कहीं पे कस दिया जाता है, तो ये हो जाता है इसी के द्वारा, ये जो छिद्र बना हुआ है इसी छिद्र के द्वारा किसी नट से हम लोग कहीं पे किसी टर्मिनल पे कस देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा लग्स। ठीक है, टर्मिनल कनेक्टर तो सबको पता है, टर्मिनल कनेक्टर कैसा होता है, टर्मिनल कनेक्टर इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके का आकृति होता है, और यहाँ पे भी आपका एक ऊपर पे पेंच रहता है जिस पेंच को हम लोग टाइट या लो कर सकते हैं पेचकस के द्वारा, है ना, और एक इस तरह भी रहता है, यहाँ से लाके कंडक्टर को यहाँ पे फंसा दिया जाता है, फिर इधर से इस कंडक्टर को इधर फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टर्मिनल कनेक्टर। चल अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए संचालन के लिए संयोग जग की स्थायी अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले यदि स्टार डेल्टा की बात हम लोग करते हैं, तो स्टार डेल्टा में सबसे पहले हमारी सप्लाई स्टार में कनेक्ट होती है, इसके बाद एक उसमें टाइमर सर्किट लगी होती है, टाइमर सर्किट क्या करता है उसको उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है जब हमारी मोटर की स्पीड 75 से 80% तक जाती है, तो 75 से 80% जाती है तो उस समय जो एक टाइमर है, टाइमर सर्किट क्या करता है, जाके डेल्टा से कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्रम हो जाता है स्टार, स्टार के बाद फिर मेन, मेन के बाद का फिर टाइमर, टाइमर के बाद फिर डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन बी। चल चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक, मतलब यहाँ पे सिक्वेंशियल कंट्रोल की बात किया है, तो सिक्वेंशियल कंट्रोल की बात कर दिया तो ये तो बहुत आसान बना दिया क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पे देख लो कि कौन सी सिक्वेंशियल सर्किट है, तो सिक्वेंशियल सर्किट केवल एक आपको टाइमर दिख रहा है, टाइमर दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यही सिक्वेंशियल कंट्रोल हो जाएगा, है ना, यही सिक्वेंशियल कंट्रोल हो जाएगा। जैसे सिक्वेंशियल सर्किट आपका एक फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट ही होता है, तो वो यदि फ्लिप फ्लॉप दिया रहता तो वो ऑप्शन में करेक्ट हो जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव कुल मिला के है एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो क्या करता है, जो मशीन के स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है, जो मशीन के स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन मैच करें कहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपको दिख रहा है, ए डिवाइस यूज्ड एज ए प्राइम मूवर फॉर जनरेटर, ठीक है, ए डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी नहीं, एंड ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को कंट्रोल करने का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, जी हाँ यही होता है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चल देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यार बार बार क्वेश्चन ये नीचे क्यों आ जा रहे हैं, इनको ऊपर रहना चाहिए। चलो ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई होती है, तो भाई ड्राइव मोटर जो भी जितने भी ड्राइव मोटर होती हैं उसमें एक ही तरह के सेंसिंग एलिमेंट लगे रहने चाहिए, वो है आपकी स्पीड, स्पीड कंट्रोल या फिर स्पीड को सेंस करने वाले सेंसर लगे रहने चाहिए, ताकि जैसे ही स्पीड अधिक हो तो वहां पे ड्राइव तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए, ड्राइव को एक्टिव करने के लिए रिले सर्किट लगी होती है, वो तुरंत ड्राइव को एक्टिव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड सेंसिंग सेंसिंग डिवाइस लगी रहनी चाहिए ड्राइव में। चल डीसी मोटर में बल आगमन किसके समानुपाती होता है, तो भाई ये फॉर्मूला तो आपको आप सभी को पता होगा, डीसी मोटर में जो हमारी जो हमारा आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट किसके बराबर किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर्मेचर करंट प्रोपोर्शनल होता है आपके टॉर्क के,
ठीक है, यहाँ पे आई क्या है, आई ए लिख लो ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्मेचर करेंट, इसी को तो कहते हैं आर्मेचर करेंट, ठीक है। अब ये डीसी सीरीज के लिए चेंज हो जाता है, डीसी सीरीज के लिए चेंज हो जाता है बिफोर सेचुरेशन, बिफोर सेचुरेशन ये टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, और आफ्टर सेचुरेशन ये टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवल आई रह जाता है, केवल आई रह जाता है आफ्टर सेचुरेशन। मतलब एक बार आपकी वाइंडिंग पूरी तरह से चुंबकित हो जाती है तो वहां के बाद अब फ्लक्स नहीं बढ़ता, चाहे आप कितने भी करंट बढ़ाइए, तो वहां पे केवल टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण, भाई यूपीएस, यूपीएस सबको पता है यूपीएस क्या होता है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये अक्सर किसी आपके डेस्कटॉप वाले जो भी कंप्यूटर है डेस्कटॉप वाले, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको, इसलिए यूज करते हैं ताकि यदि अचानक से कभी लाइट चली जाती है तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, यदि कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो वो लाइट जैसे ही जाएगी तुरंत बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा तो हमारा काम पूरा, मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। तो ये पूरी मेहनत बेकार ना जाए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को सेव कर सकें, उस काम को फिनिश कर सके, इसके लिए हमें यूपीएस की जरूरत होती है। कुल मिला के यूपीएस क्या है, यूपीएस एक डिवाइस है जो कुछ देर तक सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखता है, पावर सप्लाई कट जाने के बाद कुछ देर तक पावर सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखता है, यही काम होता है आपके यूपीएस का। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यस ऑप्शन डी एकदम करेक्ट दिख रहा है। चल आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, यार साइक्लो कन्वर्टर ये तो है, बाकी आपका जो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी करता है ना, एसी टू डीसी, डीसी चॉपर पता है आपको, फिक्स डीसी को किसमें करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में, है ना, वेरिएबल डीसी में। और डीसी टू एसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर को ही तो इन्वर्टर कहते हैं, वही तो आपका इन्वर्टर सर्किट होता है। चलो बाकी आपका इस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष हो जाए तो किस डिवाइस के द्वारा मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको एमीटर दिया हुआ है, एमीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, धारा मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, और ओम मीटर के द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और जो हमारा मल्टीमीटर है इसके द्वारा क्या क्या मेजर कर लेते हैं देख लो, इसके द्वारा क्या क्या मेजर कर लेते हैं हम लोग, इसके द्वारा हम लोग मेजर कर लेते हैं सबसे पहले तो करंट, ठीक है, फिर आपका वोल्टेज, फिर आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तीनों चीज मेजर कर लिया जाता है, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों मेजर हो जाता है। तो हम लोग मल्टीमीटर का यूज करके वहां पे ये देख लेते हैं कि कहीं पे भी यदि शॉर्ट सर्किट हुआ रहता है तो वहां पे मल्टीमीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए। मल्टीमीटर को पहले मल्टीमीटर के नॉब को हम लोग रेजिस्टेंस में ले जाकर सेट करते हैं, इसके बाद उसके दोनों टर्मिनल को ले जाकर सटाएंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो डिवाइस है या जो वोल्टेज स्टेबलाइजर का कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भाई देखिए, बिजली उत्पादन में अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है कोयले के द्वारा, सबसे ज्यादा बिजली कोयले के द्वारा ही पैदा होती है। इसलिए आप लोग देखते हो कि यदि कोयला का कहीं पे शॉर्टेज पड़ जाता है तो बिजली एक एक सप्ताह तक गायब हो जाती है ना। तो कोयले के द्वारा ये सबसे अधिक बिजली इंडिया में अभी भी उत्पन्न की जाती है। अब चलो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है आपके पास, अब इसमें पूछ दिया आपसे कि उस डिवाइस का क्या नाम है, ये जो एक्स प्रदर्शित कर रहा है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग जलाशय, इसको हम लोग कहते हैं जलाशय। ये होता है आपका डैम, ठीक है, ये होता है आपका प्रेशर चैनल, ठीक है, ये होता है आपका सर्ज टैंक, ठीक है, ये होता है आपका वाल्व हाउस, ठीक है, ये होता है आपका पेन स्टॉक,
पेन स्टॉक होता है और ये होता है आपका पावर हाउस, ये पावर हाउस या फिर कह सकते हैं इसको बिजली घर, पावर हाउस या फिर इसको कह सकते हैं बिजली घर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपको आपसे पूछा है इसके बारे में, इसके बारे में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्ज टैंक ऑप्शन बी, सर्ज टैंक ऑप्शन बी। ये आपको पता है पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक का काम क्या होता है, यह सर्ज टैंक को टर्बाइन से जोड़ता है, सर्ज टैंक को टर्बाइन से जोड़ता है, कुल मिला के एक कंक्रीट वाला पाइप होता है, उस पाइप के द्वारा पानी आती है सर्ज टैंक से और वो सीधे सीधे जाके टर्बाइन पे गिरती है, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। भाई देखो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, क्या होता है भाई, मीथेन, ऑप्शन बी, बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है, ठीक है। जौर्य शक्ति उत्पादन में टर्बाइन का क्या कार्य होता है, जो जौर्य शक्ति मतलब कि वेव एनर्जी है, वेव एनर्जी के द्वारा कौन सी वेव, वेव जो टाइडल होती है, सॉरी क्या पूछा है कि टाइडल पावर जनरेशन में क्या होता है, तो टाइडल पावर जनरेशन में मुख्य रूप से बस यही होता है कि इसमें जो आपका ओसिन है, समुद्र है, समुद्र में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, मतलब कि जब वेव्स आएंगी तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, एक डैम बना रहता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक डैम बना रहता है, और यहाँ से यदि वेव आ रही हैं तो ये वेव क्या होती है ऊपर तक उठती जाती हैं और ऊपर तक उठ के जाके इधर स्टोर हो जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा और डैम होता है, वो डैम क्या करता है उस डैम से फिर पानी इधर बराबर गिरता रहता है पेन स्टॉक के द्वारा टर्बाइन पे, और वो टर्बाइन फिर किसको घुमाती है, वो टर्बाइन अल्टरनेटर को घुमाती रहती है और बिजली आपकी बनती रहती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हुआ, जब ज्वार आया तो वो ज्वार जाके डैम में पानी को स्टोर कर दे, या फिर ये कहे कि एक बड़ा सा वो होता है ड्रम होता है और उस ड्रम में जाके पानी स्टोर हो जाता है, उस ड्रम के नीचे एक छोटे से हम लोग नली खोल देते हैं, उस नली के द्वारा पानी निकलता रहता है और जाके वो टर्बाइन पे गिरता रहता है। मतलब एक मैं सिंपल ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये काफी बड़ा साइज होता है इसका। तो ये होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है आपका टाइडल पावर जनरेशन। तो कहां पे ऑप्शन मिल रहा है, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है, भाई जो हमारा सोलर सेल है, सोलर सेल लाइट पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, सन की लाइट पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। अब सन की लाइट यदि बहुत ज्यादा मिल रही है हमें तो वहां पे सोलर सेल का आउटपुट भी बढ़ जाएगा, और यदि सन की लाइट हमें कम मिलती है तो वहां पे सोलर सेल का आउटपुट घट जाता है, ये सबको पता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बता दो कि जो सोलर सेल है, सोलर सेल कह रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन मतलब कि इसमें दो छोटे छोटे परमाणु मिलके बड़े परमाणु बनाते हैं, बड़े परमाणु बनाते हैं, तो जब दो छोटी छोटी चीजों को एक साथ जब कनेक्ट किया जाता है, मतलब जब जुड़ेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो वही एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वही एनर्जी होती है हमारी सोलर एनर्जी, ठीक है। अब वहां पे सूर्य का जो सरफेस है, सरफेस पे तो तापमान बहुत ज्यादा रहता है, सूर्य के सरफेस पे तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन वो इतना दूर है पृथ्वी से कि यहाँ तक आते आते कितना बचता है, केवल मुश्किल से 30 से 40 डिग्री या फिर 50, इस समय तो लास्ट 50 तक भी चला जा रहा है, 50 जाते जाते भाई ये यदि इस पे ध्यान नहीं दिया गया ना, तो यदि थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा 60 यदि चला गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा, 60 चला गया तो समझ जाएगा कोई कई जगह लोग मरने लगेंगे। इसीलिए कई सारे सम्मेलन भी किए जा रहे हैं आपके COP मतलब COP26 हुआ, COP27 हो गया, फिर आपके G20 सम्मेलन हो रहे, कई सारे सम्मेलन इसीलिए हो रहे हैं कि जो बदलता हुआ हमारा जलवायु है इस पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, ठीक है ना, इसको ध्यान में दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि OH लाइन में, ओवरहेड लाइन में ये कौन सा इंसुलेटर है, ये आपको बताना है कि ये इंसुलेटर कौन सा है। ये इंसुलेटर आपको दिख रहा है कि इस इंसुलेटर को ऐसे सेट किया गया है कि ये पूरा अच्छे से मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये साइकिल इंसुलेटर हो जाएगा। कौन सा इंसुलेटर हो जाएगा यार,
साइकिल इंसुलेटर, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पिन इंसुलेटर सबको पता है, पिन इंसुलेटर कैसा होता है यार, पिन इंसुलेटर कुछ इस तरीके का होता है ना, पिन इंसुलेटर कुछ इसी तरीके का तो होता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, हाँ ऐसे बनाओगे तब ये सही बन जाएगा। ये होता है आपका पिन इंसुलेटर, ये होता है आपका पिन इंसुलेटर। यहाँ पे एक ग्रूव कटा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं ना, इसी से हमारा तार पास होके जाता है, ठीक है। अब इसी पिन इंसुलेटर, इसी ये जो पिन इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर मैक्सिमम कहाँ तक यूज होता है, 30 किलो वोल्ट तक, 30 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं हम लोग पिन इंसुलेटर को। बाकी जो हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर है, स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है यार, स्ट्रेन इंसुलेटर जब कई सारे डिस्क इंसुलेटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए और उसको हॉरिजॉन्टली यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। वो क्या होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर, और स्ट्रेन इंसुलेटर का अक्सर यूज हम लोग जहाँ पे मोड़ होता है वहां पे करते हैं, और साइकिल इंसुलेटर का अक्सर यूज हम लोग जहाँ पे लाइन हमारी खत्म होती है वहां पे करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे ACSR का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, तो भाई ACSR का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। और ये ऐसा कंडक्टर है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, इसके ट्रांसमिशन लाइन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज करने का करने के पीछे दो रीजन है, एक तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और दूसरा चीज कि इसमें थोड़ा सा वजन कम होता है, इसका वजन भी कम होता है, और इसमें जो भी लॉसेस है वो लॉसेस भी थोड़े कम होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लीकेज करंट, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। तो यार लीकेज करंट के लिए आप सभी को पता है कि लीकेज करंट के लिए सर केवल दो ही सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं, कौन कौन से, एक RCCB और एक है आपका LELCB। कौन कौन सा, एक है आपका ELCB और एक है आपका RCCB। ELCB का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और RCCB का फुल फॉर्म क्या है भाई, RCCB का है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यही जो दो इंसुलेटर, दो सर्किट ब्रेकर हैं, यही दो सर्किट ब्रेकर लीकेज के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक ELCB है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप एक बात का ख्याल रखें यहाँ पे कि देखिए ELCB का यूज अब बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे ELCB का यूज खत्म हो रहा है, ELCB की जगह पे हम लोग RCCB ही यूज कर लेते हैं। RCCB थोड़ा सा ज्यादा एक तरह से ये कहे कि मोस्ट इफिशियंट है ELCB की तुलना में, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन हमेशा और हमेशा MVA में किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के चाहे टूटने की क्षमता हो और चाहे मेकिंग क्षमता हो, ये दोनों के दोनों क्षमता किसमें मेजर किए जाते हैं, हमेशा और हमेशा MVA में ही मेजर किए जाते हैं। अब एक रिलेशन है मेकिंग कैपेसिटी और बेकिंग कैपेसिटी में, ये रिलेशन याद कर लीजिए कि मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी, 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी कैपेसिटी, ठीक है। बस इस रिलेशन को याद रखिए, और ये जो दोनों कैपेसिटी है, दोनों कैपेसिटी का मेजरमेंट हम लोग हमेशा MVA में करते हैं, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।